तो मैं रोहित बचराज आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मामन सिंह मुर्रा ब्रीडिंग फार्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की विजिट हमारी गांव कड़ौदा जो कि जज्जर जिले के अंदर आता है, तो वहां पे सुरेंद्र सर के घर पे है, काफ़ी शानदार पशुधन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं, हम इसको एक चैंपियन पशुधन कहेंगे। ये जहाँ भी गई है कोई ना कोई पोजिशन इसने प्राप्त जरूर की है, उसकी डिटेल भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जो आप पशुधन इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि अब की बार सेकंड लैक्टेशन के अंदर है, जिस समय ये 14 महीने की थी उस समय से ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी थी, तो कोई ना कोई पोजीशन ये प्राप्त करके जरूर आई है। तो बाकी डिटेल हम सुरेंद्र सर से प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी सब। एक बार अपना एड्रेस कन्फर्म करवाओ जी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गाँव कड़ौदा और जिला जज्जर। तो जी अपने पास जो ये पशुधन है इसकी क्या कुछ खासियत है, वो भी एक बार जो अपने व्यूअर्स हैं उनको बताएं। भाई इसके ये अपने कंपटीशन में अपने कैटेगरी में दो दांत की कैटेगरी थी, जज्जर में भी पार्टिसिपेट की, इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और देहरादून में भी इनको फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। इस कटड़ी की अब हम बात करें, जो जिला स्तरीय पशु प्रदर्शनी गांव भूपणिया के अंदर लगी थी, उस समय ये मात्र 14 महीने की थी, उस समय इसने वहां पे सेकंड पोजीशन प्राप्त की। उसके बाद भिंडियावास गांव के अंदर जो पशु प्रदर्शनी थी दो दांत के अंदर, जब उस समय ये एक दांत इसने तोड़ दिया था, उस समय भी इसने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। और उसके बाद जो DFA का देहरादून का पशु प्रदर्शनी जो कि लगी हुई थी, वहाँ पे भी इसने सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। ये जहाँ भी गई है सेकंड पोजीशन इसने प्राप्त की है, और अब इसकी पूरी डिटेल हम बताएंगे। तो जी अब की बार ये कौन से लैक्टेशन के अंदर है? ये दूसरे लैक्टेशन के अंदर है भाई। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 14-15 लीटर दूध दिया है भाई। अब की बारी ये दूसरे लैक्टेशन के अंदर है, फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 14-15 किलो दूध दिया है। तो पिछली बार इसके नीचे क्या था जी? इसके पिछली बार नीचे वो कटिया है, वो उधर खड़ी है, वो विराट बुल की ये कटिया है। ये देख सकते हैं जो अपने विराट बुल की कटड़ी है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी, जो कि पिछले ब्यात की है। इसकी एज कितनी हो चुकी है जी? इसकी होगी 14 महीने। 14 महीने इसकी एज हो चुकी है। ये देख सकते हैं काफी शानदार पशुधन, बिल्कुल रिंग सींग, छोटा सींग है, छोटा फेस है, और लंबाई ऊंचाई की हम बात करें तो वो काफी शानदार है। ये देख सकते हैं अब तो काफी कमजोर हो रही है। कमजोरी है, वो खागी थी ने। अच्छा। एक में 4-5 दिन पहले को जहरीला पोआजनस खागी थी, वो तो मुश्किल से मर के बची है। ये देख सकते हैं इसने कोई दिक्कत हो जाने कारण इसने चारा के साथ कोई जहरीला जंदावर खा लिया था, तो इसका इलाज भी उस समय हमने किया था, ये इसी कारण थोड़ा बेमान रही, नहीं तो काफी शानदार कटड़ी हम इसको कहेंगे। ये देख सकते हैं इसकी अडर की क्वालिटी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप दिखाओ ना। बिल्कुल वैसे शरीफ है, बहुत शानदार। सुए से लगाया अंतनस वाला आ जाए, डर रही है भाई थोड़ी एक भाई ना। तो जी अब की बार अपनी ये जोटी दूसरे ब्यात के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे ब्यात के अंदर। सेल करने का भी कोई विचार अपना? नहीं नहीं, सेल करने का कोई विचार, सेल करने का भी कोई विचार नहीं है। एक बार देखो पीठ पुठे की चौड़ाई काफी शानदार आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। ये देख सकते हैं अडर की क्वालिटी काफी शानदार है, एक थन से दूसरे थन का स्पेस भी काफी शानदार है। ये देख सकते हैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल छोटे थन है, मुठिया थन है, काफी शानदार। इस प्रकार के थनों में किसी प्रकार का मेस्टाइटिस आने के का खतरा बहुत ही कम रहता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल रिंग सींग है, छोटे सींग है, कन्नीदार सींग है। पीठ पुठे की चौड़ाई आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते। एक बार जी एक बार खोल के अंडाना इसको, ये देख सकते हैं एक बार खोल के आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है। काफी अच्छी भारी भरकम जोटी हम इसको कहेंगे। ये देख सकते हैं अडर की क्वालिटी पे बिल्कुल फोकस किया जाए भाई एक बार। ये देख सकते हैं काफी शानदार चौरस लेवटी हम इसको कहेंगे, और नसों के ये जो लेवटी के ऊपर नसों का जाल आपको इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि एक दूध आड़े पशु के करेक्टर को दर्शाता है। ये देख सकते हैं काफी शानदार। अब की बार सेकंड लैक्टेशन में ये बच्चे को जन्म देगी। अब की बार कौन से बुल से प्रेग्नेंट है जी? ये अब की बार भी विराट बुल से ही है। अब की बार भी अपना जो गीला इनका एकमात्र मुर्रा बुल विराट कड़ौदा है, उसी के सीमन से प्रेग्नेंट है। ये देख सकते हैं काफी शानदार पशु। अच्छा अभी एक हफ्ता बाकी है, देखो काफी शानदार जोटी बनी हुई है। एक हफ्ता अभी इसका टाइम का बाकी है, ऊपर देखो एक कुछ दिन लेती है या छोड़ती है वो मालिक के ऊपर बात है।
लेकिन काफी शानदार पशुधन एक जोटी है, आप एक कटड़ी और भी देख सकते हैं, ये भी काफी शानदार कटड़ी है, काफी अच्छा पशुधन इन्होंने अपने घर से तैयार किया है। तो जी आप डाइट प्लान में क्या कुछ देते हो इसको? भाई गंदोड़े की खड़ गंदोड़ा और दलिया, ये खंडा, ये चीज देते। अच्छा, अब की बार आपको कितनी उम्मीद है दूध? मैं इसको गारंटी के साथ ये 20 प्लस करेगी। अच्छा, अब की बार 20 प्लस गारंटी के साथ ये पशुधन करेगा, काफी शानदार। जिस समय ये पहली बार ब्याई उस समय दांतों में क्या थी? ये दो दांत। तो जी एक बार आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 999-29-75-240 99-92-97-52-40 इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी भाई को इस जोटी के लिए संपर्क करना हो या किसी प्रकार की डिटेल लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।